Assalamualaikum guys, we are back with another gaming video. हम आ चुके हैं अपनी gaming video वापस लेकर और आज हम खेलने वाले हैं car for sale simulator. आजकल ये बहुत लोग खेल रहे हैं, ये गेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और ये सिमुलेशन गेम है. बहुत ही मज़ा आने वाला ये गेम खेलने में. इसकी सीरीज़ बहुत अच्छी लगेगी, हम बहुत लंबी सीरीज चलाएंगे इसकी. तो हम ये खेलने जा रहे हैं car for sale simulator. स्टार्ट करते हैं गेम को, हम न्यू गेम खेलेंगे और आप भी मेरे साथ एक्सपीरियंस करना. मैंने पहले खेल लिया है लेकिन दोबारा से न्यू गेम खेलना शुरू करेंगे हम. ओके, कोई बात नहीं, हमारा पिछला डाटा जाता है तो जाए, शुरू करेंगे. तो जी, हम आ चुके हैं अपने गेम के अंदर. गाइज ये देखो हमारा एरिया कितना बड़ा है, गाड़ियाँ खड़ी करने वाला. और ये है हमारा शोरूम और वो है हमारा ऑफिस. ये लिखा हुआ है गेस्ट प्लेयर, इसको भी चेंज करते हैं थोड़ी देर में अगर चेंज होता है तो. पहले पिकअप द ट्रैश इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस, हमें सारा ट्रैश यहाँ से हटाना पड़ेगा, सारा ट्रैश यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा. ये टायर्स हैं, सारा ट्रैश पहले उठा लेते हैं. ओके ओके ओके, ये भी ख़त्म किया, ये भी ख़त्म किया. उठाओ भाई, उठाओ उठाओ सारा क्रैश 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 क्रैश, उठाओ क्रैश. ये भी उठा लिया भाई, टूटी गाड़ी यहाँ पर छोड़ गया और वो भी हमें उठानी पड़ रही है. ठीक है, उठा लिया. ये क्या पड़ा है इसके अंदर, पैसे तो नहीं है. चलो जी, ये भी उठाओ. अच्छा 13 हो गए हैं, 17 ये चार. अच्छा इनको भी उतारना पड़ेगा, चलो इनको भी उतार देते हैं. और हो जा, उतर जा उतर जा. ये हो गया जी हमारा पूरा शोरूम क्लीन, हमारा पूरा शोरूम क्लीन हो चुका है. तो आज की वीडियो में हम पूरा हंट करेंगे इस गेम को, हम पूरी इस गेम को खेलेंगे और देखेंगे इस गेम में क्या क्या चीज़ें हैं. फर्स्ट वीडियो हमारी होगी इसको फुल एक्सपीरियंस करने की. हम ये पूरा मैप पूरी गेम खेलेंगे और इसमें आज पता करेंगे कि क्या क्या हमें करना होता है, क्योंकि ये हमारा ट्यूटोरियल एपिसोड होगा फर्स्ट. और इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी सीरीज चलाएंगे और बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़े की गेम है. खेलना स्टार्ट करते हैं. अभी हमें क्या करना है, द ऑफिस मस्ट बी ओपन फॉर कस्टमर्स टू अराइव, यू कैन ओपन एंड क्लोज द ऑफिस बाय यूजिंग द ऑफिस डोर. अच्छा भाई, ये कह रहे हैं कि हम ऑफिस डोर जो है ना इसको ओपन करेंगे तो हमारा शोरूम ओपन हो जाएगा, क्लोज करेंगे तो हमारा शोरूम क्लोज हो जाएगा. तो अभी हमारा ओपन करने का कोई मूड नहीं है क्योंकि हमें अभी जाना है. बल्कि क्या कह रहा है कि साइनेज रो एंड देन एंटर साइनेज एडिटिंग मोड. अच्छा अच्छा अच्छा, अभी हमें नेबरहुड में नहीं जाना, अभी हमें क्या करना है कि हमें ये ऊपर वाली चीज़ें सही करनी है, अपना नाम ऊपर चेंज करना है. तो हम वो पहले चेंज कर लेते हैं. कंप्यूटर आ गया हमारा. ये देखो भाई कितना मज़े का ये गेम है. और इसमें गेम में ये देखो वेदर भी बता रहा है, ये हमारे पास करेंसी है. और उसके बाद अपग्रेड्स भी हम कर सकते हैं, डेकोरेशन भी कर सकते हैं, जो कि हम बहुत अच्छी वाली डेकोरेशन करेंगे हमारे शोरूम की. ये है वेब पेज, वेब पेज पे चलते हैं. फिलहाल हमारे पास कोई कार नहीं है, कार फॉर सेल लिखा हुआ है और ये बैंक, ये बैंकर बैंक से हम लोन भी ले सकते हैं, ये बिल्स हैं हम बिल्स भी पे कर सकते हैं. फिलहाल हमारे पास कोई कार नहीं है, इसे बैक करेंगे. अपग्रेड या डेकोरेशन, अभी हम लगाएंगे डेकोरेशन पे. और डेकोरेशन में ये है हमारे पास कार्बन, जहाँ ये कार्बन का मतलब है जहाँ पर हमारा रहना है, जहाँ पर हम जाके सोएंगे स्लीप कर सकते हैं, ये वो वाली जगह है. फिलहाल हम ऑफिस में हैं तो ऑफिस को थोड़ा सा सेव करते हैं. साइन, ये है हमारा साइन. ठीक है, ये है आउट डिज़ाइन, आउट डिज़ाइन पे जाएंगे, ये सारा इसका डिज़ाइन आ जाएंगे, घर के डिज़ाइन, ये शोरूम के डिज़ाइन आ जाएंगे. ये देखो ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है. लेकिन अभी हम अफोर्ड नहीं कर रहे क्योंकि ये 2 लाख डॉलर्स का है, हमारे पास ओनली 15,000 डॉलर्स है. लेकिन हम साइन पर जाएंगे सीधा और साइन पर जाके अपना नेम चेंज करेंगे, इसको क्लियर कर देते हैं और इधर अपना नाम डाल देते हैं, HXA Gamers. लो भाई हमारा नाम इधर आ चुका है. और हाँ ये देखो, इससे भी हम थोड़ा सा स्मॉल करना हो साइज़ में स्मॉल और लार्ज कर सकते हैं, और विड्थ में अगर हमने बढ़ानी हो वो भी कर सकते हैं. मुझे ये इतना बेहतर लग रहा है. ये है $10 का, तो ये हम ख़रीद सकते हैं. अपना नाम चेंज करते हैं. लो भाई चेंज हो गया. इन डिज़ाइन अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो अभी हम ये कुछ भी नहीं करने वाले, बस नाम चेंज हो गया बहुत है. बैठ जाते हैं अब हमें. अच्छा, यू हैव कम्प्लीटेड योर ऑफिस वर्क, गो टू द नेबरहुड टू बाय अ कार, इंफॉर्मेशंस यू कैन यूज़ द स्टॉप फॉर फास्ट ट्रैवल. ओके
हमें बता रहे हैं कि वो बस स्टॉप है, वहाँ पर जाएंगे तो हम फास्ट ट्रैवल करके नेबरहुड में जा सकते हैं। नेबरहुड में जाके हम एक गाड़ी खरीद के लाएंगे और उस गाड़ी से हम अपनी सेल शुरू करेंगे। चलते हैं हम भाई नेबरहुड में जाके गाड़ी खरीद के लाएंगे। तो भाई हम नेबरहुड में आ चुके हैं, अब हमें ढूंढनी है कार, फाइंड द कार इन नेबरहुड टू परचेज इट। अब हम एक अच्छी सी गाड़ी ढूंढ कर लेके जाएंगे जो हमें अच्छी लगे और बहुत ही हमारे अच्छे से रेट पर बिक जाए, जिससे हम अपनी सेल बढ़ा सकें। फर्स्ट कार ऑफ द डे, ये कितने की दे रहा है? ये दे रहा है हमें 6,000 की हमें ये गाड़ी दे रहा है, लेकिन अभी हमें ये नहीं चाहिए। इसकी डिटेल्स क्या बताई हुई है इसने? ईयर 2015, किलोमीटर 1,08,000 किलोमीटर्स, और गियर मैनुअल। अच्छा ये देखो, इधर ऊपर लिखा हुआ है अनअप्रूव्ड। ये इसकी जो रिपोर्ट दी है इसने गाड़ी की, ये अनअप्रूव्ड है, हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। तो फिलहाल 6,000 की दे रहा है, तो मेरा भी इसको बाय करने का दिल नहीं कर रहा, तो बाय करते हैं और देखते हैं कोई और हमें इससे अच्छी मिल सकती है तो हम वो लेंगे। चलते हैं थोड़ी सी आगे, ये एक और गाड़ी लेकर बैठा हुआ है कोई, इसे टॉक करते हैं। इसने भी अनप्रूव्ड, लेकिन अभी अनप्रूव्ड आएगा। ईयर कौन सा है? 2021 की है, ठीक है। किलोमीटर 81,000 किलोमीटर चली हुई है, 15,000 की दे रहा है और हमारे पास 14,980 हैं, हम इसे अभी नहीं ले सकते हैं। कोई और गाड़ी देखते हैं इससे अच्छी कोई मिल सके हमें। आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा और देखते हैं कौन सी गाड़ी हमारे लिए बेहतर है, हमें अच्छे से रेट पर मिल जाएगी और हम उसे और अच्छे रेट पर बेच सकते हैं। ये कौन सी है? 2018, 66,000 किलोमीटर, ऑटोमेटिक गियर। गाड़ी का नाम है लॉर्ड फिएस्टा, ये कैसा नाम हुआ भाई? 7,000 में दे रहा है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी डील है, क्योंकि 2018 मॉडल और 66,000 किलोमीटर चली है, ये कार हमारे लिए अच्छी हो सकती है, हम इसे बेहतर तरीके से बेच सकते हैं, तो ये कार हम बाय कर लेते हैं। 7,169, बार्गेनिंग स्किल अभी हमारे पास नहीं है, तो अभी हम बार्गेन नहीं कर सकते इसके साथ। ये देखो बार्गेन स्किल हमारी बंद है, अगर थोड़ा सा ये नज़र आ रहा हो आपको तो ये बंद है अभी, तो ये कार से ख़रीद लेते हैं। लाओ भाई हमें कार दे दो। तो भाई कार हमने ख़रीद लिया है, बहुत ही गंदी लग रही है, जाके इसको साफ़ करना पड़ेगा। अभी से हम शोरूम में लेके जाएंगे और अगर इसमें कुछ मसला है तो वो इसका सही करवाएंगे, चेक कर लेते हैं। हाँ भाई डैमेज तो है, डैमेज भी है, डर्ट भी है, पेंट भी बहुत कम है, कोई बात नहीं, पेंट तो हम इसे नहीं करवाएंगे, डैमेज और डर्ट इसका सही करके अच्छे से रेट पर हम इसे बेच सकते हैं। एक गाड़ी और देख लेते हैं आगे, थोड़ी सी आगे जाकर एक गाड़ी और देख लेते हैं, अगर हमें इससे भी अच्छे रेट में मिल जाती है तो हम वो गाड़ी भी ले जाते हैं साथ में। लॉन्ड्रा टास्क, ये कौन सी गाड़ी है भाई? 1967 मॉडल, 1,24,000 किलोमीटर चली, 3,000 की ये मिल रही है, क्या करें भाई? मुझे लगता है अभी हमारी फर्स्ट कार है तो ये हमें एक ही लेनी चाहिए, अभी हमें ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ये एक कार के हम लेके चलते हैं अपने शोरूम में और शोरूम में जाके खड़ी करते हैं, और बल्कि पहले गैरेज में लेके चलते हैं। स्टार्ट है, चलो ना, पहले हम इसको अपने गैरेज में जाके सही करवाएंगे गैरेज से, और उसके बाद गैरेज से सही करवा के फिर हम इसे अपने शोरूम में लेके जाएंगे, इसकी डर्ट ख़त्म करेंगे और फिर इसको अच्छे से रेट पर बेचने के लिए लगा देंगे। मैं तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे रेट पर अगर बिक जाए तो हम आगे दो गाड़ियाँ और परचेज़ कर सकते हैं। तो इसलिए उसका चलो भाई एक्सीडेंट ना करवा देना, चलो भाई चलो 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 चलो, जल्दी से हम चले जाते हैं अपने शोरूम, काफ़ी दूर पड़ रहा है भाई। गेम के ग्राफिक्स देख रहे हो, गेम के ग्राफिक्स एकदम बहुत ही मस्त अल्ट्रा एचडी ग्राफिक्स हैं इसके, और देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, खेलने में भी बहुत ही मज़े की गेम लग रही है। अभी जल्दी से शोरूम पे जाके रुकते हैं, और बल्कि गैरेज में चलते हैं, गैरेज में जाना था, शोरूम बोल रहा हूँ बार बार, गैरेज में चलते हैं और इसके डैमेजेस सही करवाते हैं पहले। चलो अंदर चलो चलो चलो, ऑटो रिपेयर, हाँ रिपेयर पे जाना हमें, जाके रिपेयर कर। भाई कितनी तेज़ भागती है गाड़ी, थोड़ी सी पीछे आओ, हाँ अब आगे चलो, बस 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 भाई इतनी आगे जाना था, थोड़ी सी पीछे आ जाओ बस। अब इसको करते हैं बंद और बाहर निकल के इससे करते हैं बात,
भाई कितने में हमारी गाड़ी सही करके दोगे? ये करके दे रहा है भाई हमें 820 में। फ्रंट बम्पर ख़राब है, फ्रंट राइट डोर ख़राब है, बैक लेफ्ट फेंडर ख़राब है और फ्रंट राइट फेंडर ख़राब है, इतना कुछ अभी ख़राब है। तो हम इसको सही करवा लेते हैं और फिर चलते हैं अपने शोरूम पे। तो भाई गाड़ी हमारी ठीक हो चुकी है, हम वापस आ गए हैं लेने अपनी कार। चलो भाई गाड़ी में बैठें और चलें अपने शोरूम पे। रिवर्स आहिस्ता आहिस्ता, कहीं लग ना जाए किसी गाड़ी में। बैक चलो भाई, ब्रेक चलो भाई। ये एक अच्छी बात है कि इसके बिल्कुल सामने हमारा शोरूम है, गाड़ी से हमें ज़्यादा चल के नहीं आना पड़ता और सीधा भी हम जा रहे हैं अपने शोरूम के अंदर। यहाँ पर जाकर अपनी गाड़ी हम पार्क करेंगे। ओके आगे चल भाई, ब्रेक। ओके हम उतर आए हैं गाड़ी से, अब जाके हम अंदर जाके हम इसे सेलिंग पर लगाएंगे। एक मिनट, पहले हम इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, अगर हमारे पास स्किल खुली हुई है तो वो हम इसे पहले साफ। यार पता नहीं क्यों अभी मुझे लगता है हमारे पास वो स्किल नहीं है इसको साफ करने की, तो फिलहाल अंदर चलते हैं, इसको ऐसे ही भेज देते हैं डर्टी ही। हमारे पास जब स्किल ओपन होगी तो फिर हम इसे अच्छी तरह बेच सकेंगे, फिर फिलहाल हमारे पास इतनी नहीं है, स्किल्स नहीं है क्योंकि तो हमारी फर्स्ट कार है और ये ऐसे बिकने वाली है मुझे लगता है। तो चलो इसको सेल पर लगाते हैं। सिंस इट इज़ अ ट्यूटोरियल, यू कैन सेल इट फॉर लिमिटेड प्राइस, देन यू कैन सेल इट फ्रीली एट एनी प्राइस। ओके फिलहाल हमें लिमिटेड प्राइस पर इसको सेल करना होगा। जैसा कि हमने 7,000 की ली थी तो हम 20,000 का ट्राई करेंगे। नहीं 20,000 पे ये नहीं, और ये 10,000 नहीं 15,000 में मेरे ख्याल में हो जाएगी, और अगर 16,000 ट्राई करें तो शायद हो जाए 17,000, 18,000, 17,000 तक हो रही है भाई। हम 17,000 पे हम इसको सेल कर देंगे अगर कोई आ गया तो। हमारा शोरूम मेरे ख्याल में ओपन है, तो बाहर चलते हैं, अगर कोई कस्टमर आता है तो हम इसको सेल कर देंगे। भाई अभी लगाई ही है बस सेल पे और तीन तीन कस्टमर हमारी शॉप में आ चुके हैं इस गाड़ी को बाय करने के लिए। तो भाई इनसे बात करते हैं, अंकल ये काफ़ी बुज़ुर्ग अंकल है तो अगर इन्होंने इतने में हमसे ले ली ना तो हम इनको ही दे देंगे, दूसरों को पूछना ही नहीं हमें। क्या कह रहे हैं, आई विल बाई इट एट द करंट प्राइस। ओके भाई मान गए, हम उसे 17,000 में मान गए, हमें 10,000 का प्रॉफिट हो चुका है, ले लो अंकल। तो अंकल गाड़ी लेकर जा चुके हैं और अभी बहुत शाम हो चुकी है, अभी हमें जाकर सोना होगा। तो सुबह आएंगे अपनी शॉप ओपन करने, तो शॉप क्लोज करके जाएंगे, कोई चोरी ना हो जाए। मुझे लगता नहीं कोई चोरी हो लेकिन हो भी सकता है। तो फिलहाल हम चलते हैं और जाकर सो जाते हैं, सुबह आएंगे। अभी हमें जाना होगा कारवान, जो हमारे जगह है जहाँ पर हम जाकर रेस्ट कर सकते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं भाई, कारवान पहुँच चुके हैं, अभी जाके हम सो जाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग इंशाल्लाह मिलेंगे। 9,831 का हमने आज प्रॉफिट लिया है 17,000 की कार बेचकर जो हमने 7,000 में ली थी। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस ही इतना मज़े का रहा है और आगे देखो और भी बहुत मज़ा आएगा, और हम इसकी ज़रूर इंशाल्लाह इसकी हम ज़रूर सीरीज चलाएंगे पूरी गेम की। अभी हम चलते हैं अपने नेबरहुड या कार मार्केट में, अच्छी सी अगर हमें कोई गाड़ी मिल जाती है तो कार मार्केट से ले जाते हैं, अगर ओपन हुई कार मार्केट तो। कार मार्केट चलते हैं सीधा। लो भाई कार मार्केट आए हैं, तो कार मार्केट बड़ी भरी हुई है, अब यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हम इनमें से कोई भी एक गाड़ी पसंद कर सकते हैं जो हमारे बजट में आ जाती है। तो ट्राई करते हैं हमें सबसे बेस्ट कार हमारे बजट के हिसाब से अच्छे से रेट पर सेल कर सकते हैं। तो कौन सी कार ज़्यादा फायदेमंद रहेगी पहले इन्हीं से पूछ लेते हैं, कौन सी कार बेच रहे हैं लोग, और पता नहीं कौन कौन सा नाम लिखे गाड़ी को, उल्टे नाम लिखे हैं। 17,953। चलो एक बार, हाँ इसकी गाड़ी अच्छी है लेकिन किसी और की भी गाड़ी देख लेते हैं फिर आएंगे। इसकी गाड़ी थोड़ी सी डरती थी, इसकी बहुत कम डॉटी है। ये कौन सी है, लॉर्ड शर्म स्टैंड फर्स्ट हैंड है ये भाई, 50,000 की गाड़ी है और हमारे पास अभी सिर्फ 24,000 है, हम इसको हम बाय नहीं कर सकते। ये तो काफ़ी पुराना मॉडल लग रहा है, 1989 का मॉडल है और 135,000 किलोमीटर चला है, 11,000 में दे रहा है भाई।
मुझे नहीं लगता ये इतनी बिकेगी, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि अगर ले सकें। नहीं मुझे नहीं लगता, कोई और अच्छे से ब्रांड की देखते हैं भाई, ये कौन सी है। ये तो मुझे करोला करोला टाइप लग रही है, तो क्या करते हैं मर्सिडीज शेवस की करोला जैसी है और मर्सिडीज है ये टी कोक मर्सिडीज 63,000 ये लेंगे हम अभी नहीं, लेकिन लेंगे जरूर। भाई तुम कौन सी गाड़ी दे रहे हो? 2014 मॉडल 87,000 किलोमीटर चली है, 13,000 की दे रहे हैं इसकी गाड़ी। तो अगर हम इसकी गाड़ी ले लेते हैं तो हमें फ़ायदा तो होगा, 13,000 की गाड़ी दे रहे हैं, हमारे पास फिर भी काफ़ी पैसे बच जाएंगे। और ये 2014 मॉडल है और 87,000 चली है, मुझे लगता है ये ले लेनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी और देख लेते हैं फिर उसके बाद देंगे। चेक करते हैं ये कौन सी गाड़ी है भाई, ये चेक करते हैं। ये भी मस्टैंग है, मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा महंगी है भाई, 75,000 की है। ये कौन सी है? टोयोटा टोयोटा कैमी, ये 30,000 की है और लेकिन हमारे पास 24 है। लेकिन कोई बात नहीं, हम देंगे इंशाल्लाह, हम बहुत अच्छे अच्छी गाड़ियाँ देंगे, सीरीज चलेगी इसकी और हम इसकी बहुत सारी गाड़ियाँ देंगे और बहुत मज़े मज़े की वीडियोस बनाएंगे, बहुत ही अच्छा मज़ा आने वाला है इस गेम में। 30,000 की गाड़ी दे रहा है और सीरीज में बहुत बहुत आला आला तरीके हम गाड़ियाँ लेंगे भी, बेचेंगे भी और अपने शोरूम को भी हम डेकोरेशन करेंगे। आने वाली वीडियोज़ में हम बहुत कुछ करने वाले हैं और सब्सक्राइब कर लो इससे पहले कि कोई और सब्सक्राइब कर ले और आपको नोटिफिकेशन ना आए उसको आ जाए, इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हमें ये वाली गाड़ी मुनासिब लगी, ये वाली गाड़ी ख़रीद लेते हैं, बहुत ही अच्छी रेंज में हमें मिल रही है और 13,172 की मिल रही है, ये गाड़ी ले लेते हैं। लो भाई गाड़ी होगी हमारी और इसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट पड़ी हुई है, ये हम अगर क्लीन कर सकते हैं क्लीन कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल ये गाड़ी हमारी हो चुकी है, नेबरहुड में नहीं होगी है ना, स्टार्ट में वो कहते हैं कि नेबरहुड में जाओ, हम वहाँ से एक ही गाड़ी ली थी ना, अब हम दोबारा नेबरहुड में ज़रूर जाएंगे। और अभी हमारे पास कितना है? 11,000 पड़ा होगा भाई। हाँ नेबरहुड से हम एक और गाड़ी परचेज कर सकते हैं, इसको मुझे लगता है इसको टो करवा देना चाहिए। चलो रुको उतरो, गाड़ी को सीधा इधर भेज देते हैं, शोरूम में तो नहीं जाएगी टो करवा के, लेकिन नहीं भाई वो भी हमारे पास नहीं है, लेकिन उधर तो था, हाँ भी नहीं है, ट्राफी लेकर जानी पड़ेगी। नहीं तो मैं ऐसे गैरेज में भेजने लगा था कि अगर सही करवाने के लिए गैरेज में भेज दिया जाए, तो चलो इसको चला कर लेकर चलते हैं वापस और सीधा गैरेज में चलते हैं, अगर इसमें कोई डैमेज वगैरह हुआ तो डैमेज से करवा देंगे। जल्दी से इसको लेकर चलते हैं। तो हम बस पहुंचने वाले हैं, ये क्या भाई, ये तो देखें पहले, गाड़ी से उतरो, रोड में मैंने गाड़ी खड़ी कर दी, कोई बात नहीं। रेड कैफ़े है, गाड़ियां लगी हुई हैं, टैक्सी भी खड़ी हुई है यहाँ पर कैफ़े में। तो ये कौन है, इसे ब्लैक मार्केट ब्लैक में चीज़ें बेचता है। चलो देखते हैं इसके पास क्या क्या है। इसके पास टैब है, टैब हमारे किसी यूज़ का, पर हाँ मुझे याद है टैब से हम क्या क्या कर सकते हैं, खरीद लेते हैं टैब। और हैमर की, हैमर की अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो हैमर अभी रहने देते हैं। टैब हमने ख़रीद लिया है, अभी हम चलते हैं सीधा अपने गैरेज पर, गाड़ी को थोड़ा सा सही करवाते हैं, वो अभी मुझे लग रही थी वहाँ पर, सीधा इसको गैरेज में लेकर चलते हैं। ये लाइट्स इसकी खुद ही टर्न ऑन हो जाती हैं, पहले भी बनती है। ये आ गया हमारा शोरूम और ये आ गया हमारा गैरेज, अब इसको लेकर चलते हैं गैरेज के अंदर और जाके इसको सही करवाते हैं, इसकी हालत चेंज करते हैं। लो भाई लग जाओ पार्किंग में, बस पीछे आ जाओ थोड़ी सी, बस चलो भाई। तो भाई कितने में इसको सही करके दोगे और दिखाओ में क्या क्या ख़राब है? वो भाई तेरी खैर, फ्रंट बम्पर ख़राब है, बैक लेफ्ट फेंडर ख़राब है, फ्रंट बहुत बहुत कुछ ख़राब है इसका, जल्दी से इसे हम सही करवाते हैं और उसके बाद हम इसे अपने शोरूम पर लेकर जाएंगे। तो पहले सही करवा लेते हैं। द व्हीकल इज रिपेयर्ड भाई, हमारी गाड़ी बहुत ठीक हो चुकी है, अब हम इसे लेकर चलते हैं अपने शोरूम में वापस। गाड़ी की लाइट खुद ब खुद जल जाती है, इसको बंद करना पड़ता है मेरे पास, तो जल्दी से इसको लेकर चलते हैं अपने शोरूम में। बैक जाओ थोड़ी सी, चलो भाई टर्न हो जाओ। भाई इसके अंदर अभी बच जानी थी और फिर डैमेज हो जाना था। इधर लोग ना हमारे शोरूम को खाली देख कचरा फेंक जाते हैं, अभी इनका भी कुछ हल करते हैं।
बाहर आदमी भवन बैठा हुआ है। कलेक्ट ट्रैश, पहले अपना एरिया साफ कर लेते हैं, फिर इस गाड़ी का भी कुछ उठाओ उठाओ उठाओ, कचरा उठाओ। ये सारा कचरा गया डस्टबिन में। हाँ, अब देखते हैं कि हम गाड़ी को साफ कर सकते हैं कि नहीं स्पंज से। ये मुझे लगता है हमें चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी गाड़ी की। द कार मार्केट प्लेस इज़ ओपन। अच्छा, वो कार मार्केट का आ रहा है, स्टोर पर जाएंगे हम अगर तो नहीं। स्टोर में हमारे लिए यार $10,000 अभी भी हमारे पास, लेकिन हमारे पास ये देखो अभी इसको क्लीन करने की स्किल हमारे पास आई नहीं है, क्योंकि हमारा लेवल अभी शायद लो है थोड़ा सा, इस वजह से नहीं आ रही है। ओ हाँ, ये देखो भाई स्किल ट्री, इससे हम इसको ओपन कर सकते हैं, हम मतलब स्किल्स को ओपन कर सकते हैं। बार्गेनिंग को ओपन करें, या मुझे लगता है इसको पहले ओपन करना पड़ेगा, गाड़ी को साफ करके फिर बेचेंगे। तो ये स्किल हम ओपन कर रहे हैं। ओपन, यू कैन क्लियर योर व्हीकल यूजिंग अ स्पंज। हो जा भाई। अच्छा, एक्सपी 50, हमारे पास 40 है, 50 एक्सपी होगी फिर हमें ये एक मिल सकता है। भाई हमें ऐसे ही से भेजना पड़ेगा, फिर शायद हमारे पास 50 हो जाए, फिर हम उसको बार्गेनिंग भी ओपन कर सकते हैं, फिर उसको भी ओपन कर सकते हैं। टैब का यूज़ क्या था भला? ओ अच्छा, टैब से हम अब सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने अपनी शॉप को ओपन करना है, वो सिर्फ हम गेट को खोल के ओपन करेंगे, लेकिन बाकी सब कुछ हम टैब से कर सकते हैं, हमें कंप्यूटर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से हम टैब को ओपन कर लेते हैं और जल्दी से जाकर इसको कार फॉर सेल पर लगा देते हैं। नॉट ऑन सेल, हम सेल पर लगा रहे हैं। 13,000 की लिया हमने, तो इसको इसके अच्छे से रेट पर लगाएंगे। अगर ये 25,000 की बिक जाती है तो बहुत ही अच्छा हो सकता है हमारे लिए। 25,000 की मैं लगाने जा रहा हूँ, बस उम्मीद करता हूँ कि ये 25,000 की पूरे की बिक जाए, जिससे हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो भाई अभी ना रात हो चुकी है, अब हमें सुबह आना पड़ेगा मुझे लगता है। अभी हम अपनी गाड़ी को बेच नहीं सकते क्योंकि इस टाइम कस्टमर नहीं आएगा। तो अभी हम सेल पे लगा दिया, लेकिन अब हमारा शोरूम बंद है। तो अब हम जाते हैं अपने घर, जाके सोएंगे और सुबह तब हम आएंगे, तब आके हम इसको सेल करेंगे और अच्छे से सेल हो जाएगी मेरे ख्याल में। तो चलते हैं अपने एरिया पे कारवान, तो जल्दी से जाकर हम नाइट ले लेते हैं एक दफ़ा। ऊपर सो जाओ। हम अपने शोरूम पहुंच चुके हैं, वापस आ चुके हैं। हमने कल 13,000 स्पेंड किया है और हमने ख़रीदा, मतलब गाड़ी खरीद लिया, लेकिन हमने बेचा कुछ नहीं और हमें प्रॉफिट अभी नहीं हुआ। देखो फिर हमारी जगह पर कोई कचरा फेंक के चला गया और ये कचरा भी हमें डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। फेंक दो, ये कचरा भी उठाना पड़ेगा हमें, डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। ये भी गया इधर। अब लगाते हैं हम अपनी गाड़ी को। एक मिनट, अब शायद मैं स्किल अनलॉक कर सकता हूँ मेरे ख्याल में। ये वाली हमें नहीं, भी 43 हुए हैं, जब तक 50 नहीं होते तब तक हम स्किल नहीं अनलॉक कर सकते। चलो, इसको हमने सेल पर लगाया हुआ है, अब अपना शोरूम ऑन करते हैं और कस्टमर का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही कस्टमर आएगा हम उसको ये गाड़ी दे देंगे अच्छे रेट पर, अगर लेता है तो। 25,000 की लगाई हुई है, 13,000 की ली थी, अब देखते हो किसने की कस्टमर लेकर जाएगा। यार हमारे पास वो डर्टी क्लीन करने वाली स्किल अप आ जाए ना, कहीं से अनलॉक हो जाए। तो भाई ये डर्टी बहुत गंदी लग रही है गाड़ी, साफ करके बेचेंगे भाई। ओ कस्टमर आ गया भाई, कस्टमर आ गया, आओ आओ आओ, देखते हैं ये कस्टमर हमारी गाड़ी कितने में लेकर जाता है। लो भाई, एकदम साफ गाड़ी है, एकदम अच्छी गाड़ी है, देख लोगे तुम्हें। वो 21,000 दे रहा है भाई, 25,000 लगाया था, 21,000 दे रहा है, लेकिन बार्गेन भी ना किया तो बार्गेन स्किल अभी आई नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी 21,000 कम नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरी रेंज थी कि 25,000 दे देता, और अगर अब इसके बाद कोई सेल आ गया ना कस्टमर और वो इससे कम डिमांड में करने लगा, तो हमें और थोड़ा सा कम हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। लॉस तो नहीं होगा, हमें प्रॉफिट ही, लेकिन फिर भी थोड़े कम होंगे पैसे। बेच देते हैं मेरे ख्याल में, हाँ बेच दी ये गाड़ी हमने, बेच डाली अभी हमारे पास 31,000। अच्छा, अभी हम भला क्या करने वाले हैं,
कार मार्केट में हमें बिक्री थी, हमें दे रहे थे गाड़ियाँ बहुत महंगी महंगी थी, हम एक ही लेकर आए हैं। अभी हम जाने वाले हैं नेबरहुड, नेबरहुड से गाड़ियाँ अच्छी मिल जाती हैं अच्छे रेट पर, और ज़्यादा भी हम खरीद सकते हैं और अच्छी तरह हम खरीद सकते हैं। बिग सेल पर लगी है भाई, कितने की दे रहे हो? किया स्पोर्टर, स्पोर्टेज शायद 2020 मॉडल, 7,000 की दे रहा है भाई, 1,00,000 किलोमीटर चली है फिर भी 2020 मॉडल है और 7,000 की दे रहा है, बहुत ही सस्ती दे रहा है भाई, इसे ले लेते हैं और इसको मैं 15-20 हज़ार की तो बेच ही दूंगा। लो भाई गाड़ी आ गई हमारे पास, अभी चलते हैं एक और गाड़ी ख़रीदते हैं, क्योंकि 2-3 गाड़ियाँ हम ख़रीद लेते हैं अच्छे अच्छे रेट पर अगर मिल जाएँ तो, और हमें क्या चाहिए, और इसी से हमारी सेल बढ़ेगी और हम आने वाली सीरीज़ में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। एक सुपर कार्स भी लेंगे हम, उसके बाद अपना घर भी लेंगे न्यू वाला, अपने कार्बन को सही करेंगे या घर न्यू लेंगे, और अपना शोरूम भी एकदम मज़े का बनाएंगे। 41,000 भाई ये तो बहुत महंगी कार दे रहे हैं, मर्सिडीज़ है ये, नहीं हमें चाहिए, हमारा बजट नहीं है। थोड़ी सी आगे चल के देखें तो ये भी महंगी होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये महंगी होगी, टोयोटा G86 22,000। अगर मैं ये वाली गाड़ी ले लेता हूँ तो मेरे पास ओनली $20,000, 20 भी नहीं भाई 22 की दे रहा है, तो मेरे पास सिर्फ $2,000 मुश्किल से बचेंगे। पर अगर मैं ये ले लेता हूँ, इसे मैं अच्छे से रेट पर बेच सकता हूँ, तो मेरे ख्याल में मुझे ले लेनी चाहिए। 39,000 किलोमीटर चली है, 2017 मॉडल है, बहुत अच्छी रेंज में मिल रही है, तो मुझे लगता है कि मुझे ले लेनी चाहिए। तो भाई हमारे पास 1,674 रुपीज़ रह गए, और हम आगे से कोई भी गाड़ी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास अभी बजट बहुत कम हो गया। वैसे इसकी गाड़ी देख लेते हैं एक दफ़ा, हाइब्रिड 5,000 की दे रहा है ये, मुझे लगता है ये तो वही नहीं है, ये बहुत महंगी लगी हुई थी भाई मार्केट में, यहाँ पर अच्छे रेट पर लगी हुई हैं। हुंडा CRX ये 53,000 की है भाई, अगर नेक्स्ट टाइम इससे ये लेंगे, हाँ अभी वो बेच कर आते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम इसे ये वाली लेंगे। इसे मैं सोच रहा हूँ कि सीधा गैरेज में भेज दूँ, अगर ये गैरेज में जाएगी, नहीं भाई गैरेज में नहीं जा सकती, हमारे पास एक ही टो ट्रक है और वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसे लेकर चलते हैं, चला के लेकर जानी पड़ेगी। तो चलो भाई इसको हम अपने शोरूम में लेकर चलते हैं, सीधा शोरूम चलते हैं। भाई इसकी आवाज़ तो बहुत मस्त है, बहुत मज़े की आवाज़ है भाई, मुझे लगता है ये रेसिंग कार है, ठोक दिया उसने, अब गाड़ी मेरी बैक भी नहीं हो रही भाई, ये बहुत बड़ा मसला हो गया, गाड़ी ठोक दिया भाई, पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रही, इतनी महंगी मैं गाड़ी लेकर आई, एंटर क्यों कर रहा, पेट्रोल ख़त्म हो गया था गाड़ी में, खाली गाड़ी पकड़ाई है हमने भाई, जहाँ हमें इधर ही बेचने कर लिया गैरेज में। अच्छा देखो इतनी स्पीड में हम उसके अंदर लगे हैं कि वो इतना ज़्यादा डैमेज हो गया, हम पहले ज़ीरो डैमेज था, हम उसे सीधा गैरेज में नहीं भेज सके थे, और एक ही टक्कर में वो इतना ज़्यादा डैमेज हो गया कि हमें उसे भेजना ही पड़ा भाई, बहुत नुकसान करवाती हैं ऐसी चीज़ें। 924 कैसे रह गए भाई, 1,000 कुछ थे ना, ये तो भाई काम गलत हो रहा है हमारे साथ, किस चीज़ के पैसे करते हैं, ये भी गाड़ी बहुत ही ख़राब हुई हुई है भाई, इसको भी सही करवाना पड़ेगा। चलो तो इसको अब चला कर लेके चलते हैं सीधा शोरूम पे, क्यों ना आप गाड़ी लग जाइए इसके अंदर, ध्यान से लेके जाना है इसे, क्योंकि हेडलाइट इसकी खुद ब खुद चल रही होती है, जो भी गाड़ी ले लो उसकी हेडलाइट चल रही होगी। आवाज़ तो इसकी भी अच्छी है भाई, आवाज़ इसकी भी गंदी नहीं है, आवाज़ बहुत मज़े की आवाज़ है। चलो जी सीधा चलते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी ट्रैफिक है यार, अगर तो थोड़ी सी भी गाड़ी अनबैलेंस होती है ना, तो हम सीधा जाके ट्रैफिक के अंदर लगते हैं और गाड़ी डैमेज हो जाती है, इसकी कम बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए टो करवानी पड़ती है, लेकिन हमारी टो स्किल अभी ओपन नहीं हुई, तो उसकी बहुत मज़े की स्किल है, बंदे ने कहीं से भी गाड़ी खरीदी है ना उसे चला के ना लेकर जानी पड़े, वो मेरा टो करवा लेता है। अब इसे भी मुझे लगता है सीधा गैरेज में लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हमारी ये गाड़ी गैरेज में खड़ी हुई है, इसको थोड़ी सी बाहर खड़ा कर देते हैं,
और पहले उसको तय करवा के फिर इसको लेकर आएंगे। ब्रेक उतरो, तो भाई इसको कितने में सही करके दोगे? भाई साहब 1777 में ये सही करके दे रहा। हर चीज़ टूटी हुई है भाई इस गाड़ी की, बहुत पैसे लग रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये करवा लेनी चाहिए। तो भाई गाड़ी हमारी रिपेयर हो चुकी है, अब इसे आहिस्ता सी ना लेके चलते हैं अपने गैराज में। देखो फिर इसकी हेडलाइट चल गई थी, थोड़ा सा बैक करो, पहले उसको अंदर लगा देते हैं, उसको थोड़ा सा सही होने के लिए रख देते हैं, और उसके बाद इसको लेके चलेंगे। चलो भाई कितने में सही कर रहे हो ये गाड़ी? 1350, 1320 में कर रहा है भाई। तो चलो भाई तुम इसको सही करो। तो भाई गाड़ी हमारी रिपेयर हो चुकी है, ठीक है, अब गाड़ी के अंदर बैठेंगे, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। इसकी भी हेडलाइट चल रही थी, मुझे लगता है पहले इसको छोड़ाता हूँ, उसको फिर बाद में आके लेके जाऊँगा। पहले इसको शोरूम में उतार लेते हैं। चलो भाई पहले इसको शोरूम में खड़ा करते हैं, फिर दूसरी को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमें इसको खड़ा कर देना है। अब लेके आते हैं अपनी रियल वाली गाड़ी, जो हमारी गाड़ी अच्छी दिख सकती है उसको, और उसको बेचेंगे और भी अच्छे दाम पर। बैठो भाई अंदर, चलो भाई क्या बकवास तरीके से चलती हो, चलो आगे को। अब हेडलाइट ऑन हो रही है ना, अब तो पता भी चल रहा है कि भाई हेडलाइट ऑन करनी चाहिए, इधर रात का टाइम हो चुका है। जब रात का टाइम ही नहीं था तो फिर हेडलाइट अपने आप ऑन हो रही थी, बंद हो गया। चलो भाई अपना स्टोर बंद करें और सुबह आएंगे और फिर इनको बेचेंगे। अभी चलते हैं सीधा अपने कारवान पे। तो मैं अपने कारवान पे भाई पहुंच चुका हूँ, दरवाजा खुला हुआ है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को कर रहा हूँ एंड, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो और हम इसकी सीरीज चलाएंगे, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जल्दी ही, इसकी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करने वाला हूँ, ठीक है। इसकी अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह हम ये दोनों गाड़ियाँ बेच के और एक अच्छी और बेहतरीन कार लेंगे, जो हम रेस में भी दौड़ा सकते हैं। और अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।